बीजेपी के ही नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, जहां चुनाव इस बार हारे संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर से चुनाव हारने वाले संजीव बालियान ने संगीत सोम से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि जिन्होंने खुलकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया, पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। वहीं संगीत सोम ने कहा है कि उनके संस्कार ऐसे नहीं कि फालतू की बात करें। दरअसल आरोप ये लगता है कि विधायक के चुनाव में संगीत सोम को संजीव बालियान ने हरवाया और अब ये आरोप लग रहा है कि सांसद के चुनाव में बालियान को संगीत सोम ने हरवाया। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए या प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने से बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी उस पर ख्याल ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द ना बोलूं। ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। अब आज का वो वीडियो जो चर्चा में है, यूपी के हापुड़ में बुलडोजर से टोल प्लाजा तोड़ दिया। मामला छिजारसी टोल प्लाजा का है, जहां एक शख्स जेसीबी लेकर पहुंच गया और बिना टोल टैक्स दिए जाने की कोशिश करने लगा। टोल कर्मियों ने जब उसे रोका तो विवाद हो गया। बुलडोजर वाले शख्स ने टोल गेट पर जेसीबी खड़ा करके जाम लगा दिया और टोल बूथ को तोड़ने लगा। जेसीबी से एक धक्का लगते ही टोल बूथ टूट गया। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसका जेसीबी भी जब्त कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की ये तस्वीरें, आमतौर पर जो बुलडोजर है वो कानून की कार्रवाई का प्रतीक धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा था, लेकिन यहां पर टोल नहीं देने के लिए ही इस शख्स ने टोल को ही अपने बुलडोजर से तोड़ डाला। गाड़ी का जेसीबी का नंबर है UP 14KD 4255।